अति सम्मान के योग्य दयाचंद यादव जी, चार साहब, चेयरमैन साहब, बंसल साहब, मान साहब, बाकी तो आप सबसे ही हैं। हर का नाम लूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और मंत्री जी को आगे भी प्रोग्रामों में जाना है। देखो, मैं तो सिर्फ एक लाइन में एक ही बात कहना चाहूँगा, विकास कम और ज़्यादा हो सकता है, आदमी अच्छा और बुरा हो सकता है, पर हमारे लिए, हमारे समाज को इन सब चीज़ों से, जातिवाद, आपस में मतभेद, सबसे ऊपर उठ के केवल एक ही चीज़ देखना चाहिए, देश रहेगा तो सब चीज़ें रहेंगी। आज आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई देख लो, कौन सी यूक्रेन में, कहाँ कांग्रेस, कहाँ बीजेपी, क्या कौन सी पार्टियाँ, कुछ नहीं बचेगा। तो पहले देश फिर घर, और ये आप ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि ये एमएलए का इलेक्शन है, मोदी जी तो आपने ला दिए हैं, अब क्या फ़र्क पड़ता है। उन ताकतों को जैसे ही कहीं भी स्टेट में कोई भी कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो किसी और स्टेट है, दूसरी ताकतें पनपने लग जाती हैं। आपने ये आज थोड़ा सा बहुमत से पीछे रहे हैं, और आज देख लो कि पिछले कुछ ही महीनों में कहां से बरसाती मेंढक की तरह लोग आ गए हैं, और कैसा कैसा हो रहा है। आप समझदार हो, सबको मेरा तो यही है कि सबसे ऊपर उठ के अपने देश को बचाना है, अपने घर को बचाना, अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देना है। आपको सब पता है, छोटी सी बातें जो ना समझ लोगों के हाथ में, तो कहते हैं ना, अगर बंदर के हाथ में तलवार दे दी तो मालिक को ही काटेगा। तो एक समझदार है, उन लाइनों को याद करो, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कैंडिडेट आएंगे जाएंगे, देश और घर रहना चाहिए। तो ये वोट मूलचंद शर्मा जी को नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों के भविष्य को दे रहे हो, अपने घर को बचाने के लिए। निसाथियों, वो दिन दूर नहीं है, आपके इन अलीसानों में कोई और रहेगा, आपके बच्चे तो कहीं और रहेंगे। तो आने वाला भविष्य को वोट दो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना